Great. वो यहाँ है नहीं वरना वो जवाब देते तो किंग खान है वैसे वो लड़की के बारे में सुना है कि काफी है। अच्छा कर लेता है बहुत कुछ अरे कौन, कौन तो बादशाह बंदे जिन्होंने कह दिया ये अरे अरे, अरे, अरे बादशाह तो नहीं है वैसे भी इनका काम ये है सुनी सुनाई बातों पर ये कान धर लेते हैं अच्छा जी नेक्स्ट कमेंट इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो इस बार उभरी है बहुत ही लाजवाब खेली है फैन फ्रॉम ईस्ट पंजाब जी बड़ी मेहरबानी बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है भाईजान की फ्रॉम ईस्ट पंजाब हम बड़ी कदर करते हैं और जो बेहतर होता है वही ऊपर आता है नॉट नेली लेकिन उसकी चाल ढाल बता देती है और बेहतर होना बहुत ज़रूरी है लेकिन सिर्फ स्किल्स के हवाले से खेल के हवाले से ही नहीं बर्ताव के हवाले से भी बिहेवियर के हवाले से भी बहुत शानदार होना चाहिए इनकसार होना चाहिए ज़मीन में गड़ा होना चाहिए ये मतकबर रवैया अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तो इन पाकिस्तान अपनी स्किल्स में भी इजाफ़ा करता रहेगा और मेरी दरख्वास्त होगी बाबर आजम और उसके पूरे स्क्वाड को कि अपनी इंकसारी मज़ीद उजागर करें वाह जैसे मुझे अच्छा लगा कि नमीबिया के साथ मैच ये उनके एनक्लोजर में गए उनके साथ गपशप की तो वेरी फील। लेकिन वो जो की गुफ्तु थी जो कोहली ने मोहम्मद नबी के साथ की वो अपनी जगह मौजूदा और उसका कोई जवाब अभी तक न कोहली ने दिया और न इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसके कान में उसने क्यों प्रॉम्प्ट किया यू विल बॉल फर्स्ट वाई जो टॉस हुआ है तो उसे कहा जी यू विल बॉल फर्स्ट यानी कमांड तुमने की है अगर ये करना होता पहली फैसला तो अंदर ना डिसाइड किया होता कि जो भी जीतेगा इसने यही नहीं, नहीं, नहीं लेकिन ही डिडंट ट्रस्ट एन अफगान कि वो भूल ही ना गया हो भाई बाहर हमसे क्या मुक्के आया और अंदर आके <laughs> बहरहाल इस तरह की बातें स्केप्टिसिज्म शक शक् वो तो पैदा उसको तो हवा देती है ना बिल्कुल सही मैं मोहम्मद नबी की नीयत पर उसकी डिवोशन फॉर क्रिकेट पर कभी शक नहीं करता अपने अफगान भाइयों के मामला पर शक नहीं करता लेकिन जो इंडियन ये क्रिकेट ये। बोर्ड है उसकी एम्बिशन पे, उसके ऑब्सेशन पे जीत के साथ एक ऑब्सेशन हो जाती है बिल्कुल ऐसे ही उसके बारे में भी काफ़ी यकीन से कह सकता हूँ बिल्कुल सही वे anyway, अल्लाह करे ये मेरा ख्याल खाम ही हो जी रुखसाना टीम में बहुत अच्छी शमूलियत है इनसे मैडम नूरजहां नूरजहा नसीबोलाल जैसे किरदार भी करवाई है। हमने उनसे काफी कैरेक्टर्स करवाने हैं जिनमें नसीबो लाल हरगिज नहीं है लेकिन आजकल वो बाकायदा ग्रीफ के अमल से गुजर रही हैं उनके बहनोई की डेथ हुई है लाला बहुत आला जी डी बक्शी बनते हैं वेरी फनी उनकी मर्जी है अगर आपको पनी लग रहा है आफ्ताब साहब आप क्या कहते हैं जी डी बख्शी एक बहुत लाउड कैरेक्टर है और उसके साथ इंसाफ लाला ही कर सकता था नायाब एज कली शो में कब वापस आएंगी नायाब नॉट ओनली एज कली बल्कि बेबी भी बड़ा फाल किरदार अदा करती हैं वो ट्रेनिंग पे गई हैं इस्लामाबाद और जो ही ट्रेनिंग खत्म होती है सर? एक सरकारी इदारा है उससे मुंसलिक हैं और उस हवाले से ट्रेनिंग इस्लामाबाद गई है ओके नेक्स्ट कमेंट आपके लिए है पुन्नू पुन्नू शाही दरबार की जान है थैंक यू सर शुक्रिया पल्लवी भटनागर व्हाट अ कैरेक्टर इवॉल्व किया है इस कैरेक्टर ने मतलब एक हमने पुलाव खाया उसमें इतने इतने, इतने पट थे <laughs> इतने इतने, इतने, इतने पट थे आज तक नहीं सुना कभी इसमें कैफी भाई का बड़ा अमल दखल है वैसे पुन्नू यू आर पेकिंग अप थैंक यू सर माशाल्लाह तेजी से ऊपर आ रहे हो दिस इज गुड नेक्स्ट कमेंट I feel very blessed that I got a chance to meet Sir Aftab Iqbal in GCU. I am lucky that I have fans and friends like you. Thank you very much. I am, and I am also lucky, dear. <laughs> and, uh, I like this too much for thank you so much. <laughs> <laughs> या आप टी आर की बात कर रहे हैं या बब्बू राना की टी आर वाई बी की बात कर रहा हूँ जी क्या ये बच्चा बहुत ही उठाया तुम्हारे खिलाफ है इसलिए तो <laughs> ओ एम सी और मेल बॉक्स के ब्लूपर्स है तो वो भी चलाइए ये प्रोड्यूसर साहब की खिदमत में गुजारिश नहीं सर नहीं एक सैकड़ों मरतबा की है ओ एम सी के ब्लूपर्स के ब्लूपर्स क्या होंगे मेरे भाई मतलब एनी काइंड ऑफ़ फ़ंबल पीपल दे वांट टू जितनी है वो सारी ब्लूपर के so में में मेल बॉक्स ज़्यादा नहीं होती है, जो हम कर रहे होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इतनी इज्जत अफजाई का <laughs> <ब्लूपर> ही है। <laughs> मुगल हिस्ट्री पर कोई मुस्तनद किताब रेकमेंड करें अब आप किस मुगल हुक्मरान कहां से कहां मतलब 1526 से अठारह तक पूरे का पूरा एरा पढ़ें डॉक्टर मुबारक को पढ़ें आप जादू सरकार को पढ़ें स्टैनले लेनपुल को पढ़ें आप ईश्वरी प्रसाद को पढ़ें आप फरिश्ता को पढ़ें वाह वाह ये बड़ी बड़ी लाजवाब किताबें हैं ये तो वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स हैं जो पढ़ डालने चाहिए क्योंकि बहुत खूबसूरत तारीख है ना सिर्फ मुग़ल दौर की बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री भी खास तौर पर मुस्लिम्स इन स्पेन बहुत लाजवाब हिस्ट्री है बड़ी

ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਆਤਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਸਲਾਜੀਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਮੱਕੀ ਨੇ ਕੇਲੇ ਪੱਤੇ ਭਾਜੀ ਕੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨਾਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਐਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਟੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਰੰਗੀਲੇ ਕ ਪੇਰ ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਂਦਰਾ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੂੰਗਰ ਮੋੜੇ ਤਰਖ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਵਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਂਦਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਦੇਣਾ